कोयल कौवे के लिए किस प्रकार से लाभकारी होती है? कोयल एक परजीवी पक्षी है। कोयल न केवल कौवे के घोंसले में अपितु अनेक पक्षियों के घोंसलों में अंडे रखती है। कोयल अपने अंडे अन्य पक्षियों के घोंसलों में उनके अंडे गिराकर अपने अंडे रख देती है। परजीवी संबंध में एक प्रजाति किसी तरह से लाभान्वित होती है जबकि दूसरे का नुकसान होता है। कोयल पक्षियों को लंबे समय से परजीवी के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रखती हैं। कोयल के बच्चे मेजबान पक्षी अथवा कौवे के अपने बच्चों के साथ भोजन के लिए कंपटीशन करते हैं। कोयल के अंडों में से अधिकांशतः कौवे के अंडों की तुलना में बच्चे जल्दी बाहर निकल आते हैं और जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। कोयल के बच्चे कौवे के अंडे और बच्चों को उसके घोंसले से नीचे गिरा देते हैं अथवा मार भी डालते हैं। इस प्रकार कोयल कौवे को धोखा देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ कोयल कौवे से इतनी बड़ी सेवा लेकर उसे धोखा देती है, वहीं कोयल साथ ही साथ अनजाने में ही कौवे को बहुत बड़ा लाभ भी पहुँचा देती है। इस चीज को समझने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। दरअसल सृष्टि का नियम है कि यदि हम एक बीज भूमि में बोते हैं तो वह उसे कई गुना करके लौटा देती है। यदि हम किसी से कुछ लेंगे तो हमें उसे अधिक करके लौटाना पड़ता है। यही सिद्धांत कोयल तथा कौवे के रिलेशन में भी देखने में आता है। कोयल जब कौवे के घोंसले में जाती है तो कोयल और कोयल के बच्चे कौवे के घोंसले में बीट करते रहते हैं। इस बीट की दुर्गंध कौवे का शिकार करने वाले पशु पक्षी जैसे बिल्ली, बाज, चील इत्यादि को सहन नहीं होती। यदि बिल्ली, बाज इत्यादि को उनके पसंदीदा मांस के टुकड़े कोयल की बीट में भरकर दे दिए जाएं, तो वह उनका स्पर्श भी नहीं करते, उल्टे उनसे दूर भाग जाते हैं। यह बात इस ओर इशारा करती है कि कोयल की बीट कौवे के शिकारी पशु पक्षियों से बचाने के लिए कितना शक्तिशाली और बढ़िया माध्यम है। इसी कारण से कोयल कौवे की रक्षा करते हुए कौवे की जनसंख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।